गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। गुड मॉर्निंग। वैसे तुम्हें पता है ना, डैडी को तुम्हारे हाथ की कॉफी बहुत पसंद थी। या, एक कॉफी तो बनानी आती थी अच्छी, और था क्या उसमें? क्या मतलब? मतलब ये है मैडम, इतने कंटेंडर्स थे आपके, तो उसमें से आपके डैड ने मुझे सिलेक्ट किया। कुछ ना कुछ तो होगा ना यार, कॉफी के अलावा भी। ये मेरे बच्चे कहाँ रह गए भाई? भाई डॉक्टर साहब की कुछ दिनों बाद अमेरिका की फ्लाइट है, रात को देर तक तैयारी कर रहा था तो लेट ही सो के उठेगा, और हमारे छोटे मियाँ को तो आप जानते ही हैं। लीजिए डॉक्टर साहब तो आ गए। सलाम मामा। सलाम रेडी। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड। हेलो मेरी जान, कैसे हो? मैं ठीक ठाक मामा, आप सुनाएं? आई एम गुड। हे डैड। मेरा बेबी आ गया। भाई साहब आपकी जीन्स फट चुकी है, अगर हो सके तो नई ले लीजिए। मसूद साहब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दिस इज द लेटेस्ट फैशन। वैसे भी हमारे शहजादे ने कल ये जीन्स ली है। यू नो व्हाट, He looks like a guy who has lost his wife. सबसे स्केरी बात है ये। वैसे डॉक्टर साहब आप बाय द वे दो रोज के बाद जा रहे हैं। जी रेडियो। क्या? क्या? हाँ मैंने ट्रेवल एजेंट से कहा है इसकी सीट चेंज हो गई है, मैं चाहता हूँ यूनिवर्सिटी पहुँचने से पहले बाबा कुछ वक्त मिल जाए, इसे जरा एडजस्ट हो जाएगा। तो कहते तो आप सही हैं। अच्छा वहाँ जाके प्लीज अपनी फुप्पो से जरूर मिल लेना। मिल लूंगा मिल लूंगा, डोंट वरी। चांदी माँ, मुइन अंकल तुझे कहीं लेने ना आ जाए, मैं तो कहता हूँ टैक्सी पकड़ के चला जाए। ठीक, क्या आदमी है जोकर। वैसे इस बात पे आपके ऊपर गरम गरम कॉफी भी गिराई जा सकती है। डैडी सर ट्राई करके देखते हैं कि कॉफी। आप दोनों मेरे छोटे पे नहीं करेंगे ओके? कौन कर रहा है मतलब, वैसे ही एक्चुअली डिजर्व्स दैट। नहीं बेगम साहिबा नाश्ता तैयार है। ठीक है बन जाए। चलें जी जेंटलमैन, ब्रेकफास्ट टाइम। या लेट्स गो। चलो सुमन। एक कप चाय कहीं पिलवा दो। जी अच्छा। वैसे रेडियो और बीवी में एक बात मुश्तरक होती है, दोनों को ट्यून अप करना पड़ता है। क्या बात है, कुछ नाराज नाराज सी लग रही मुझसे आप। जैसे आपको पता ही नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं। आपने अपने प्रोविडेंट फंड से पैसे क्यों निकाले? वो फैयाज कम से कम 2 साल जूनियर है आपसे, और डिफेंस में उसके 2 घर, वो भी जाती। लेकिन और एक आप है, बेटी के दाखिले के लिए प्रोविडेंट फंड से पैसे निकाल लिए। कोई यकीन करेगा कि सदीकी साहब के बैंक बैलेंस में चंद 1000 रुपए हैं? सब लोगों को झूठ लगता है। आड़ में जाएं सब लोग, लोगों से मेरा क्या लेना देना, लोगों का क्या है, वो तो हराम को हलाल और हलाल को हराम कहते हैं। ये मुझे दे। जी मामा गाना सुनिए। कैसा?
ये लीजिए। बस बाप बेटी ना गाने ही सुनते रहिएगा, परेशान होने के लिए मैं जाऊं? आराम से बताइए गाना कैसे? चाय के साथ गाना कैसा है? And here comes Noor's special band. Noor ko bulao, Noor ko fatafat. Ye mujhe do. Idhar aa gaye aur ye idhar aa gaya. Ab kya reh gaya, kya reh? Coffee, coffee lekar aao. Coffee lekar aao fatafat, fatafat, fatafat. Good morning, darling. Good morning, Dad. Here are pancakes. Yummy, thank you. You're welcome. ये आपने बनाए? Obviously. अच्छा ओके, बस 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 ज्यादा मीठा नहीं। सही है ना? आप भी कुछ लेना। थैंक यू, मैं कॉफी ले। अच्छा नूर, कल तुमने मेरे साथ चलना है शाम को। डोंट टेल मी इट्स वन ऑफ योर पार्टीज। डैड आपकी पार्टीज बहुत बोरिंग होती है, मुझे नहीं जाना। कम ऑन डार्लिंग, मसूद साहब की प्रमोशन हुई है, उन्हें मुबारकबाद देने के लिए जाना है। एंड सेकेंडली आई एम अ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन के लिए पीआर बहुत जरूरी होती है, तभी उसका बिजनेस फ्लरिश करता है। एंड डोंट फॉरगेट प्लीज, मेरे पास ये सारा बिजनेस उम्मीदों से संभालना है, सो यू नीड टू लर्न द टैक्टिक्स, अंडरस्टूड? ओके। क्या कर रही हो, जल्दी खाओ, मैं खुद खिलाऊं तुम्हें। मैं खा लूंगी। थैंक यू। नहीं नहीं, मुझे नहीं आना है, मुझे नहीं आना है तेरी ड्राई ठुस किस्म की पार्टियों पे। हाँ थैंक यू, थैंक यू। आ जाओ, चल बाद में करता हूं फोन, हाँ बताते हैं शाम को। आ जाओ। वालेकुम सलाम, चल बाद में करता हूँ। ओके, आओ 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 आओ। देखिए मैं जब से सीट पे आया हूं, मुझे पता चला बहुत सारे लोगों ने अपनी ट्रांसफर्स करवा ली, छोड़ के चले गए यहां से। तुम नहीं जाओगे? सर मैंने ऐसा कभी नहीं किया और ना ही सोचा। क्यों? सर जब काम करना ही ठहरा तो फिर तबादला करवाने की क्या जरूरत है? सिद्दीकी, हर किसी के काम करने का अपना तरीका होता है, पता नहीं तुम ऐसा चल सकोगे या नहीं। तुम्हारी सोशल लाइफ तो है नहीं कोई, तो क्या चलोगे? खैर देखते हैं। ये बताओगे ये जो कच्ची आबादियों की जो जमीन है उसकी फाइल में कौन डील कर रहा है? सर फरहाद साहब। कौन? फरहाद साहब। फरहाद जी, उसको फाइल्स लेके आए मेरे पास, एयरपोर्ट के साथ वाली जो जमीन है उनकी। जी सर। और सुनो, तुमने भी आना है साहब। जी सर। हाँ, तेरी कॉल कुछ लेट नहीं आई? हाँ भाई, जब भी मेरी पोस्टिंग हुई है सबसे पहला फोन तेरा ही आया है हमेशा। हाँ तेरी पार्टी पे तो जरूर आऊंगा भाई, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग होती है। मैं ऑफिस से निकल रहा था,
मैंने सोचा तुम्हें पिक करके ड्रॉप कर देता हूँ अपनी फटपटी पे। सच कब आ रहे हो? मैं तो फ्री हूँ, बोलो तो अभी आ जाता हूँ। अगर अभी क्लास मिस की ना तो चालान हो जाएगा। अच्छा चालान? अच्छा बताइए कितना चालान होगा? मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। चलो ठीक है, मैं तुम्हें 15 मिनट में तुम्हारे कॉलेज के गेट पे मिलता हूँ। अब वो नहीं आया, वो फरहाद, क्या नाम है उसका? सर वो फरहाद साहब की बेटी की तबीयत नासाज थी इसलिए वो छुट्टी पर है, लेकिन फाइलें मैं लेके आया हूँ। तो इतनी ढेर सारी फाइलें क्यों उठाई हुई है? तुम्हारे पास भी वही है तुम्हारे पास? मैंने सिर्फ एयरपोर्ट के साथ वाली जमीन की फाइलें मांगी थी। अमकल आदमी है तुम भाई से लेके, इतने सीनियर बने फिरते हो, इतना पलंदा लाने की क्या जरूरत? सिर्फ वही फाइल्स चाहिए मुझे। एक नोटिस भेजो इन्हें कल फौरी तौर पे, और कल ही कल अखबार में इश्तहार भी होना चाहिए ऑक्शन का इन जमीनों की, राइट? सर गुजारिश थी आपसे। बोलो सर, ऐसा करने से सरकार को कोई खास फायदा नहीं पहुंचे, लेकिन बहुत गरीब लोग ऐसे दर बदर हो जाएंगे बिल्कुल। तुम्हारा कोई रिश्तेदार है वहां? तुम जाओ, कुछ पूछा है मैंने सिद्दीकी? तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त, कोई अहबाब, कौन लोग हैं? है? नहीं नहीं, कौन है बताओ ना, बोलो। बदमाश लोग हैं, कब्जा किया हुआ इन जमीनों पे, और ये जमीनें किसकी हैं? सरकार की। हमारी जमीनों पे उन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। तुम्हें क्यों उनकी गुर्बत याद आ रही है भाई? है? फौरी तौर पे नोटिस जारी करो। तो ठीक है जाओ। और सिद्दीकी आइंदा मुझे किसी किस्म की बहस नहीं चाहिए, बहस करने वाले लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं। जी सर, सभी फाइलें ले जाओ। रखने का मकसद क्या है? जाहिर है लेके जाओ। हेलो जी, लो भाई तुम्हारा फेवरेट पराठा और दूध पत्ती आ गई है। तुम पराठा नहीं खाओगे? नहीं, मैं सिर्फ चाय पीऊंगा। और ठीक है, लेकिन मैं अपना पराठा बिल्कुल शेयर नहीं करूंगी, बहुत भूख लगी है मुझे। एक बाइट भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। एक बात कहूं मैं? हाँ बोलो। मुझे लगता है अब हमें इन फासलों को खत्म कर देना चाहिए, दूरी की इस दीवार को गिरा देना चाहिए। तो देख इस बात की? तुम्हारे इशारे की। अच्छा, तुम अब भी मेरे इशारे का इंतजार कर रहे हो? तुम्हारे कहने पर कॉलेज बंक कर लेती, बाइक पर बैठकर जहाँ कहते हो वहाँ चली जाती, और तुम अब भी मेरे इशारे का इंतजार कर रहे हो? ठीक है, तो फिर मैं आज ही अम्मी से बात करूं। और मुझे लग रहा है कि अम्मी दरवाजे पर खड़े होकर मेरा इंतजार कर रही होंगी। ओ हाँ, भूल ही गया, जल्दी जल्दी खाओ, अब तो खा सकता हूँ ना, जल्दी है ताकि जल्दी खत्म।
Hello, mom. Hello, Mary Jan. How are you? I'm good. How are you? अच्छी हूँ. Nice coffee. Dad कहाँ हैं तुम्हारे? चमका रहे हैं. क्या? जूते. डॉक्टर साहब के साथ. जूते चमका रहे. ब्रेकफास्ट किया है? थोड़ा सा. थोड़ा सा. कॉफी पियोगे? Thank you so much. I love you so much, Mary Jan. करम है आराम से. पहले क्यों नहीं बताया आपने? अब एक्सक्यूज मी डैडी, अगर आप बुरा ना मनाए तो आपसे एक बात पूछ सकता हूं? पूछो. मैं हमेशा से देखता आया हूं कि आप हर संडे को ये जूते खुद पॉलिश करते हैं और पहनते भी नहीं है डैडी, इसका क्या रीजन है? मैंने जब मैट्रिक में टॉप किया ना तो मुझे एडमिशन मिल गया था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर. मेरे यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मेरी वालदा के पास पैसे थे. जूतों के पैसे नहीं थे. तुम्हारे दादा ने अपनी साइकिल बेच के ये जूते मुझे दिले. बहुत वैल्यू है इनकी. ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही नहीं पहनता, कभी कभी पहनता हूं जब बहुत बड़ी मीटिंग हो, कोई किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम जाना हो तो पहनता हूं. ये ले आपकी यखनी, वो भी देसी चूजों की बनाई है. अरे वाह बेगम, यखनी होती ही देसी चूजे की है. ये ब्रायलर चूजे से तो मेरे ख्याल में केमिकल ही निकलता होगा. वैसे काली मिर्च तो डाल दी थी ना? जी जी, आप चखिए तो सही. आहा सुभान वाह वाह. अभी कल से मेरे घुटनों में दर्द हो रहा था तो ये देसी चूजे की यखनी उसके लिए इक्सीर है. तुम भी तो पी लो ना थोड़ी सी. नहीं, मैं लंच पे अयास के साथ ही पी लूंगी. अच्छा, कैसे मर्जी कैसे मर्जी. आज अयास का रिजल्ट आ रहा है. पता है मुझे पता है, इंशाल्लाह बड़ी अच्छी पोजीशन लेगा, आखिर मैंने तरबियत की है उसकी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हुआ, क्या खबर है? खबर तो अच्छी है लेकिन इतनी आसानी से नहीं होता, थोड़ा सस्पेंस तो रहने. देखो बेटा अयाज, ऐसा ना करो, ये जो सस्पेंस है ना ये मेरे लिए मौत है. ये मेरी मेरे मेरे दिल के लिए कितना ये खौफनाक है तुम्हें नहीं पता. सस्पेंस नहीं, नो सस्पेंस. भाई तुम बता दो अपने अब्बा को, तुम जानते हो ना इनकी तबीयत बिगड़ सकती है इतनी टेंशन से. जी जी मैं बता रहा हूँ अब्बा जान. अब्बा जान पूरे कॉलेज में मेरी थर्ड पोजीशन आई है और GPA 3.8. मुझे उन जवानों से है.
सितारों पे जो डालते हैं कमंद। शाबाश मेरे बच्चे। मैंने कहा था ना रुकैया बेगम, मेरी तरबियत का ये असर है। यही मैंने तुम्हें कहा था कि ये कामयाबियों की मंजिलें तय करेगा। आखिर मैंने इसकी तरबियत की है। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तरक्की की पहली मंजिल, पहली सीढ़ी तुमने तय कर ली है। अब तुम्हारे लिए कामयाबियां ही कामयाबियां। जीते रहो, शाबाश। आप आराम कर ले, भी खाने में कुछ वक्त है। अच्छा हाँ तो ठीक है, फिर मैं खाने से पहले थोड़ा आराम कर लेता हूँ। निजाम इंतजाम बेहतर हो जाएगा। शाबाश बेटा। थैंक यू। शाबाश, इसी तरह मेहनत मुशक्कत से अपनी जिंदगी बनाओ। आगे जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़े चलो, बढ़े चलो। मैं आराम करने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच बेटा। थैंक यू की क्या बात है, बस थोड़े दिन की और बात। जैसे ही मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिलेगी उसके बाद मैं आपकी जॉब फौरी तौर पर छोड़वाऊंगा और आपको घर पर बैठाऊंगा। फिर एक अच्छी सी गाड़ी और ड्राइवर का बंदोबस्त हो जाएगा। फिर आपने पता क्या करना है, सुबह और शाम सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग करनी। बस हम बहुत काम कर दिया। अब मैं रिटायर होकर घर बैठू तुम्हारे अब्बा के हकीमी नुस्खों को सुनती रहूं। रहने दो, खाना लगवाओ। नहीं मैं प्लीज, मुझे अभी भूख नहीं लग रही। अच्छा मैं सोच रहा था कि मैं मामू जान को खुद जाके खुशखबरी दे। हाँ वो आप खुश होंगे, लेकिन जल्दी आ जाना, खाना साथ खाएंगे। ठीक है मैं जल्दी आ जाऊँ। ठीक है जाओ, मेरा भी सलाम कहना होगा। आप भी जानते हैं कुरैशी साहब, एसीआरस क्या मैटर करती है। लेकिन बहरहाल कहा कोशिश करूंगा तो करूंगा। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। आइए अस्सलाम वालेकुम। आज इसका इंतजार वो शाहकार आ गया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम। थैंक यू। इस तकल्लुफ क्या जरूरत थी। ये है भाई जावेद साहब, जावेद मेमन, जिनका मैं जिक्र करता रहता हूँ। जी। शहर के बहुत बड़े बिल्डर। बैठो। आप गालिबन इनकी बेगम हैं। इफान नॉट। तुम्हें कैसे पता चला भाई? इनके चेहरे का सब्र बता रहा है। और ये मेरी बेटी नूर है। हाय अंकल। हाय बेटा, तुम तारुफ ना भी करवाते तो मुझे पता चल जाना था कि ये तुम्हारी बेटी है। वो कैसे? आपके चेहरे के इत्मीनान से। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अभी पिछले हफ्ते अपने दो मोबाइल्स रखकर कहीं भूल गई। ग्रेट। भूलना तो अच्छी चीज होती है ना अंकल, आगे बढ़ने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है और अच्छी चीज है, खास तौर पर अगर आप जावेद बेमन की बेटी हो तो दो क्या आप छह फोन भी भूल सकती हैं? अब मतलब वो आप मुझसे ये कह रहे हैं कि जो उसकी पोस्टिंग करवा। एक्सक्यूज मी। श्योर। सॉरी डैड। अब पोस्टिंग्स ऐसे थोड़ा ही होती हैं यार जावेद। हाय आयशा। हाँ वो मैं डैड के फ्रेंड से मिलने आई हूँ। आज मिलना है? ओके वेल, जब मैं डन हो जाऊंगी यहाँ से देन आई विल गिव यू कॉल। ओके बाय। दिल तनु लब दब रे बना विच कुम दब रे सजन तू आके मिले तो दिल मेरा दिलदार चले ये दिल धड़कन के पार चले तुझे ढूंढा रब के अंदर कभी जाका सात समंदर। नो दैट्स ट्रू। मतलब चाय मैं अभी लाती हूं। हाँ अगर पोस्टिंग इतनी आसान होती तो इतनी मिठाइयां तो ना। मिल जा जिंद जानिया है तेरी मेहरबानिया हो मिल जा जिंद जानिया है तेरी मेहरबानिया ओ दिल तेनू लभदा फिरे ओ दिल तेनू चुमदा फिरे सजन तू आके मिले तो दिल।
I'm sorry. वो It's okay. You're amazing. That was really cool. Wow. Thank you so much. आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं and like guitar playing was wow. हाँ. Anur, मैं डैड के साथ I came to your house to meet your parents. पता है मुझे हमेशा से गिटार बजाने का बहुत शौक था लेकिन मेरे पास टैलेंट ही नहीं है. You don't need talent for it. All you just need is passion. बहुत इजी है. Really? I can give you lessons if you need. Couple of lessons. Anytime. अच्छा मुझे इजाजत है. मैं चलता हूँ. अच्छा चलो फिर वीकेंड पे पक्का राइट ओके एक हेलो ठीक है ओके जावेद क्यों चलो हेलो हाँ नूर 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 नाइस शायद रोहिल के कमरे में रोहिल मेरा बेटा है He plays music. There you are. मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ चलना नहीं है क्या सॉरी डैड मुझे म्यूजिक की आवाज आई तो मैं ऊपर चली गई और रोहिल वाज प्लेइंग द गिटार सो वेल आंटी ही इज रियली अमेजिंग यस ही इज तुम कभी आओ ना यू मस्ट मेक म्यूजिक विद हिम श्योर डेफिनेटली चलें गुड ऑफिस लेटे लेटे मुझे ख्याल आया मैंने तो खाना खाया ही नहीं वो तुम तो कह रही थी कि तुमने बिरयानी बनाई है तो वो फिर खिला दो बस मैं अयाज के आने का इंतजार कर रही हूँ ये कहाँ गया अपना आप अयाज कहाँ गया अयाज अपने मामू की तरफ गया है कह रहा था कि उनको रिजल्ट बता के आएगा अच्छा तो हाँ मैं ये कह रहा था कि तुम खाने बड़े लजीज बनाती हो तुमने मेरी आदत खराब कर दी है हाँ यही तो है स्कूल जाऊं वहाँ काम करूं घर में अलग काम करूं अब ऐसा ना हो कि मुझे आपके नुस्खों की जरूरत पड़ जाए तुम तो नाराज ही हो गई मैं तो ये कह रहा था कि जो बिरयानी तुम बनाती हो ना खास तौर पे आलू बुखारे का जो टच उसमें तुम देती हो उसका तो मजा ही कुछ और अच्छा आप बैठे मैं खाना लगवा जल्दी लेकर आओ इश्तियाक को मैंने फोन कर दिया किसी भी चीज की जरूरत पड़े उसे बता जी रेडी मैं ठीक है यार ये तो अब पता है हमेशा का है अरे भाई आ जाओ बहुत लेट हो रहे हाँ देवी को मतलब एयरपोर्ट जाना है तुम अपनी अम्मा की तैयारी देख देखिए ना वाह 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 मामा और मैं अमेरिका पढ़ने जा रहा हूँ किसी महाजे जंग पे नहीं जा रहा यार क्या हो गया कम ऑन मतलब आप इतनी नैयर सुल्ताना क्यों बन रही हैं दैट वाज अ गुड वन यार सॉरी अब ठीक हो ना मैं जल्दी आ जाऊंगा कम ऑन डोंट बी सैड प्लीज आर यू ओके आपका लाडला कहाँ है हाँ किधर है नमूना रोहेल हाँ आ गया आ गया गो ब्रदर ऑलरेडी ब्रो ऑलरेडी जा रहा है हाँ और तेरे वाले करके जा रहा हूँ अपनी मामा और डैड को ये मेरे नहीं अम्मी अब्बू है मेरा भी इनसे कोई रिश्ता है डॉक्टर साहब हाँ ठीक है इनका ख्याल रखना और ये ड्रामे कम किया करो क्या फिल्मी आदमी है बड़ा बच्चा चलो चले यार लेट अच्छा सुनो सुनो देखो
तुम्हारी फूफो का घर सिर्फ आधा घंटा दूर है तुम्हारे हॉस्पिटल से। प्लीज वीकेंड्स पे उनसे जरूर मिले ना, तुम ट्रेन लेके जॉर्ज टाउन जा सकते हो। मामा मैं मिल लूंगा पक्का, डन, आई प्रॉमिस, आई मिल लूंगा ना। हाँ सर। जी मुझे कुछ ग्रोसरी करनी है, शॉपिंग पे चलें? हाँ चलते हैं, मुझे भी कुछ चीजें खरीदनी है, लेट्स गो। 4 बजे ठीक है। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? शॉपिंग पे जाने की सोच रहे हैं, गर्ल्स डे आउट। ओके, एंजॉय योरसेल्फ, सी यू लेटर। डैड 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 एक सेकंड, इधर 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 चीज दिखानी है आपको, पहने इसको। हैंडसम है, कौन है? आवाज कैसी है? आवाज कैसी है? अच्छी है कौन? रुहेल है, रुहेल। मेरा बेटा है, he plays music। मर जल्दी भूल जाता है। इंतजार हो रहा था। मसूद साहब, फॉर गॉड सेक, मेरी अपनी भी कोई लाइफ है। तुम्हें अपना सेमेस्टर रिपीट करना होगा। जी तुम जानते हो एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ऐसे ही छुप कर तुम्हें पाला पोसा है हमने। पौधे हो बच्चे हो, दोनों को बड़ी मोहब्बत से मेहनत से पालना पड़ता है, उनकी बुदोबाश करनी पड़ती है। ओह माय गॉड, ओ दिल तेनु लभदा फिरे बना विच घूमदा फिरे, सजन तू आके मिले तो दिल मेरा दिलदार चले, ये दिल धड़कन के पार चले। तुझे ढूंढा रब के अंदर, कभी जाका साथ समंदर, कभी दिल मस्जिद और मंदिर, मन घूम